सुधीर पांडे, आज पटना में इस बात की चर्चा करूंगा कि आखिर शराब या जहरीली शराब से मौत के बाद सरकार बिहार सरकार मुआवजा से क्यों मुकर रही है। पिछले एक हफ्ते से पूरे बिहार नहीं पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि ड्राई स्टेट होने के बावजूद यहां जहरीली शराब से लोग लगातार मर रहे हैं। पिछले हफ्ते जो सारण के इलाके में मौतें हुई हैं जहरीली शराब पीने से, जो करीब ऑन रिकॉर्ड 85-86 या कहिए 100 के करीब ये मौतें हो चुकी है, लेकिन सरकार इस पर मुआवजे को लेकर अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। संसद में और विधानसभा में लगातार इस मुद्दे पर हंगामा होता रहा। विपक्ष भाजपा जो यहां बिहार विधानसभा में और वहां संसद में लगातार इस बात पर चर्चा होती रही कि आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं मुआवजा दे रही है। मेरा प्रश्न यह है कि यदि बिहार में शराब बंद है और शराब से लोग मर रहे हैं तो आखिर जवाबदेह कौन है? इसकी कोई तो कोई जवाबदेही लेगा। यह देश है, कानून से चलता है। आप कानून बनाते हैं कि शराब बिहार में बंद है, तो बिहार में बंद है शराब तो फिर मौतें कैसे हो गई? आपको आश्चर्य हो गया जानकर कि थाने में जब्त स्पिरिट ड्रम के ड्रम गायब हो गए, और जो मेरी जानकारी है उसी गायब स्पिरिट से इस शराब का निर्माण हुआ, जहरीली शराब का निर्माण हुआ जिससे पी के सैकड़ों लोग मर गए। लगातार 3-4 दिन हंगामे के बावजूद बिहार सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार का यह कहना कि जो पिएगा मरेगा एक शर्मनाक कथन है। आखिर किस बिना पर वो कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा? आखिर जो पीने के लिए दे रहा है या पीने के लिए जो मुहैया करा रहा है वो कितना जवाबदेह है? इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? दूसरी बात कि 2015 के बाद जब शराबबंदी बिहार में लागू हुई तो 2016 में ही ऐसी घटना गोपालगंज खजुरबन्ना इलाके में हुई थी, 15-16 लोगों की मौतें हुई थी। यही सरकार उन सारे पीड़ित परिवारों को मुआवजा दी थी। तो क्या आप अब सही हैं या तब सही थे? आखिर उस परिवार का क्या दोष है जिसमें सारे मर्द मर गए? कई ऐसी कहानियां सामने छप रही हैं, लगातार फॉलो अप हर अखबार कर रहा है कि ऐसे कई परिवार हैं जिसमें अब कमाने वाला कोई नहीं है, या तो औरत है या तो बच्चे बच गए हैं। क्या वेलफेयर स्टेट होने के नाते आपकी जवाबदेही नहीं बनती है कि हम इस बात के तह तक जाएं? लेकिन तह और जांच की बात बाद में होगी, पहले उन लोगों को मुआवजा दिया जाए जिन परिवारों ने अपने जवान बच्चों को खोया है, जवान अपने पति को खोया है, बाप को खोया है। इसकी जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी। आप इस बात से मुकर नहीं सकते। आप लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि शराबबंदी है प्रदेश में, शराबबंदी है प्रदेश में, लेकिन मेरा मानना है और ये लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं कि प्रदेश के तमाम इलाकों में शराब मिल रही है, शराब बिक रही है, शराब लोग पी रहे हैं। मेरी एक बात हो रही थी आबकारी के बड़े अधिकारी से, उन्होंने कहा कि मैं खुला चैलेंज देता हूं, आप आर्मी उतार लो किसी खास इलाके में, बावजूद इसके शराब बिकेगी, शराब लोग पिएगा। मेरा मानना है कि लोग क्या पिएगा क्या खाएगा यह संस्कार का विषय है, सरकार इस पर नहीं रोक लगा सकती है। संस्कार में क्या बदलाव हो इसके लिए कानून अपनी राय नहीं दे सकती है या कानूनन इसे आप लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी राय में पूरी शराबबंदी जो नियम है इसकी पुनर्समीक्षा होने की जरूरत है, और लगातार इस बात को संकेत दिया जा रहा है लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच खुलकर सामने नहीं आने के कारण लोगों की जाने जा रही है जिसकी शायद परवाह किसी को नहीं है। अब कितना दिलचस्प है जानना और आश्चर्यजनक और शर्मनाक है कि आज ही मढ़ौरा सारण के इलाके में, जिस इलाके में मौतें हुई है, आज एसटीएफ ने फिर से शराब बरामद किया। और शराब किनके यहां से बरामद हुई है? वो जदयू के नेता है कामेश्वर सिंह। आपको आश्चर्य होगा जब वो बयान दे रहे हैं तो खुद लग रहे हैं कि नशे में है। सरकार किस किस दरवाजे को ठोकेगी खोजेगी? हर दरवाजे हर घर में आपको शराब मिलेगी, आप खोजिए तो सही। दूसरी बात, आप पिछले कई दिनों से सुधाकर सिंह नाकदम किए हुए हैं पूरे सरकार को, उसने नीतीश को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वो प्राइवेट बिल लाना चाह रहे हैं, जाहिर है वो विधायक हैं, उनकी अपनी जवाबदेही है जनता के प्रति। पैक्स या खेत खलिहान धान खरीद में जो सरकारी मुलाही जो सरकारी कर्मचारी हैं
या ऊपर से अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जो बंदरबाट है इसके खिलाफ वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने अधिकारियों की हकीकत को सामने लाया, उनको अपना पद गंवाना पड़ा, लेकिन ये पूरी तस्वीर कहीं ना कहीं ये बात का संकेत दे रही है कि सुशासन बाबू बहुत सुरक्षित नहीं और वो पूरी तरह से मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि आप पिछले दिनों विधानसभा में उनका वो रूप देखा जो शायद बिहार के लोगों को कभी पसंद नहीं होगा, क्योंकि एक नीतीश जी की एक छवि रही है लेकिन वो छवि से अब बिल्कुल उलट चुके हैं। और इसका इसी का नतीजा है कि अलबल वो बोलने लगते हैं, उनके बोलने के तरीके में बदलाव आया है। ये बहुत ही दुखद है और ये पूरी बात की समीक्षा यहां की जनता कर रही है। एक और मुद्दा बड़ा दिलचस्प है, सारण में 100 के करीब लोगों की मौत हो गई, लेकिन आपके उप मुख्यमंत्री जो भविष्य में दावेदारी करते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, या महागठबंधन के तरफ से वो 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो क्या आप किस कारण से आप मुंह बंद किए हुए हैं? क्या आपकी जवाबदेही नहीं बन रही है? आप ऊर्जावान हैं, युवा हैं, आपसे एक उम्मीद लगाए हुए बिहार की जनता, आपसे एक उम्मीद है कि आप सही रास्ते पर बिहार की जनता को ले जाएंगे, तो क्या आपका यह चुप रहना शोभा दे रहा है? आपको उस इलाके में जाने से कौन रोक रहा है? सत्ता में होने का मतलब यह है कि आपकी भाषा और आपकी मुंह जवान बंद हो जाए, सही कहेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी होगी। ये यदि आपके पास अभी पूरी उम्र बची है, भविष्य बचा हुआ है, तो सही कहने से क्यों चूक रहे हैं? बेशक 3-4 लोगों की मौत के बाद आप हल्ला गुल्ला करते रहते थे जब आप विपक्ष में थे, तो सत्ता पक्ष में जाने के बाद क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है? आप उस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आप जाते देखते तो सही, नहीं बोलते, कम से कम उनको मरहम पट्टी करने के लिए तो वहां जाते, वहां आप संवेदना तो व्यक्त कर सकते हैं। ये संवेदनहीनता महंगी पड़ेगी तेजस्वी जी, आपको इस बात पर सोचने की जरूरत है कि बिहार की जनता बड़े उम्मीद से आपकी ओर निगाह लगाए हुए है। धन्यवाद।